हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज वेब सीरीज अधूरा। आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट इसी को करा है। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये वेब सीरीज आपके दिल और दिमाग में डर बिठा के छोड़ेगा। ज्यादा देरी ना करके चलिए शुरू करते एक्सप्लेनेशन। कहानी के शुरुआत में हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं। फिर हमको टीचर चंद्रशेखर को दिखाया जाता है जो कि डीन बियास को बुलाने के लिए गया था। और घर के बाहर आवाज देने पे जब डीन बियास बाहर नहीं निकलते, वो थोड़ा इधर उधर देखने लगते हैं और उनको डीन बियास के सीढ़ियों पे मिट्टी दिखता है और जंगल की तरफ रास्ते में एक टॉर्च। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और चंद्रशेखर कुछ तो देख के बहुत ज्यादा डर चुका था और वो भागते भागते स्टाफ रूम में जाता है और बोलता है डीन बियास अब नहीं रहे। फिर हमको वेदांत को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। अचानक से उसका नींद खुल जाता है और जब वो पानी पीने के लिए ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसको पीछे कोई खड़ा हुआ मिलता है। फिर हम देखते हैं वेदांत के क्लासमेट सार्थक और उसके दोस्त वेदांत को लॉकर रूम में बंद कर रहे थे और वेदांत तब जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे निकाल दो। तब सार्थक उसको बोलता है रात में इधर डीन बियास का भूत घूमता है, जो भी हो जाए उसके आंखों में मत देखना। फिर वो लोग उधर से चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वेदांत को आवाज सुनाई देता है और वेदांत तब बोलता है सार्थक तुम हो ना, पर दूसरी तरफ से उसको कोई आवाज सुनाई नहीं देता है। वो जब लॉकर के नीचे देखता है, मिट्टी से सना हुआ एक पुराना जूता पहने कोई खड़ा हुआ था और वेदांत के सामने देखते ही एक सड़ा गला घिनौना शक्ल उसके तरफ देख रहा था और वो देखते ही चीख पड़ता है। हम फिर नए प्रिंसिपल ऑफिस देखते हैं जहाँ पर डीन वेदांत के पेरेंट्स को समझा रहे थे कि वेदांत को इधर एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग कुछ दिनों के लिए उसको बाहर ले जाओ, मे बी वो थोड़ा बेटर फील करे। वेदांत के पापा बोलते हैं हम अमेरिका जा रहे हैं हमारे नया ऑफिस सेटअप के लिए, वेदांत को लेके जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आप लोग अगर ऐसे ही पेरेंट्स को बुला के बताएंगे कि उनका बच्चा इधर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, आपका बोर्डिंग स्कूल जल्द ही बंद पड़ जाएगा। हमने ऐसे ही अपने बच्चे का एडमिशन देश के सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में नहीं कराए हैं, सो आप लोगों को ही उसको संभालना पड़ेगा, ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वेदांत आर्काइव रूम में जाता है और 2007 की फेयरवेल बुक ओपन करता है। ब्लैक स्पॉट वाला फेस अपने आप ही साफ हो जाता है। पीछे से उसको आवाज आता है वेदांत तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। फिर उसको एक टीचर बुलाती है और वो लोग उधर से चले जाते हैं। अब हम अविराज को देखते हैं जो कि बच्चों की क्लास ले रहा था, वो अभी अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। तभी उसको स्कूल की तरफ से कॉल आता है। कॉल में टीचर बोलती है तुम कब आ रहे हो, हम गाड़ी एयरपोर्ट में भेज देंगे। स्कूल में अभी 2007 पास आउट बैचेस के लिए फेयरवेल था, इसीलिए स्कूल सबको बुला रही है। तब अभिराज बोलता है मैम मेरे सारे ग्रुप मेंबर आ रहे हैं ना। मैम तब बोलती है मैंने सब लोगों को कॉल कर दिया है, सब आएंगे। तभी अभिराज रूम में जाता है और अपने स्कूल के लास्ट दिनों को याद करता है। हम लोगों को फिर 2007 की लास्ट डे ऑफ स्कूलिंग दिखाया जाता है जिधर अभिराज मालविका से मिलते हैं और वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। फिर हम देखते हैं रजत और सुवेश पार्थ का पैंट खींच के उसके साथ मजाक कर रहे थे और तभी अभी और मालविका के बोलते हैं लास्ट डे ऑफ स्कूलिंग है यार, अब तो ये सब मत करो। फिर हम देखते हैं रजत और सुवेश देवी प्रसाद से बात कर रहे थे। देव जब चला जाएगा स्कूल से आपको छोटे छोटे चीजों के लिए बड़ी बड़ी बख्शिश कौन देगा। और देव तब कोच बियास से बात कर रहा था। तब उन लोगों का ग्रुप फोटो का टाइम हो चुका था और तब अभिराज बोलता है सर अभी तक निनाद नहीं आया। और तब कोच बियास बोलता है कि वो नहीं आए तो ही अच्छा है। और सारे बच्चे इस बात पे हंस रहे थे। और हमको फिर निनाद को दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉमिक बुक पकड़े भागते भागते आ रहा था और देव और मालविका को आके सॉरी बोलता है कि लेट हो गया। और सारे बच्चे जब उसकी मजाक उड़ा रहे थे तब देव प्रोटेस्ट करता है, तो अब हमको पता चलता है कि देव निनाद का बेस्ट फ्रेंड था। फिर प्रेजेंट डे में नया पीएन जब डीन वेया सर के घर के बाहर था, उसको अंदर से कुछ आवाज आता है। वो जब अंदर देखने के लिए जाता है उधर उसको वेदांत मिलता है खून से लथपथ। वो देख के शॉक हो जाता है, उसके हाथ में एक रॉड भी था और कुछ कुत्ते की बच्चे उधर मरे पड़े हुए थे। फिर वेदांत को हम स्कूल के मेडिकल रूम में देखते हैं और उसी के क्लासमेट बाहर से बोल रहे थे कि वेदांत के अंदर डीन बियास सर का भूत आ गया है। तभी पीछे से सुप्रिया मैम आती है और बच्चों को बोलती है कि क्लास में जाओ, इधर क्या कर रहे हो। सुप्रिया स्कूल में साइकोलॉजी की टीचर है। स्टाफ रूम में डीन कंपाउंडर को डांट रहा था कि वेदांत को अगर कुछ हो जाता है हम लोग सब जेल में जाएंगे, इधर सब रेपुटेड घर के बच्चे पढ़ते हैं। तब चंद्रशेखर बोलता है वो बच्चा इतनी रात को डीन बियास सर के हॉस्टल के बाहर क्यों गया था और मुझे तो लगता है डीन बियास सर का आत्मा उसके ऊपर आ चुका है, आप लोगों ने देखा नहीं उन कुत्ते की बच्चियों को कैसे मारा गया है। तब सुप्रिया बोलती है उसको स्कूल में मन नहीं लगता इसलिए वो भाग गया होगा और वो रॉड उसको कंस्ट्रक्शन एरिया से मिला है और हम लोगों को पता ही नहीं कि वेदांत ने कुत्तों को मारा है या नहीं मारा है, अब कैसे एक बच्चे के लिए ये सब बोल सकते हो। डीन बाद में सुप्रिया को बोलती है वेदांत का तुम ख्याल रख सकती हो, तुम एक साइकोलॉजिस्ट भी हो, उसके साथ बात करो, समझो कि उसका क्या प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं स्कूल में 2007 वाले बैच एंटर कर रहे थे और डीन तब सुप्रिया को बताता है तुम
देखना फेयरवेल फंक्शन में वो कुछ करना दे, तुम उसके साथ साथ रहना, स्कूल का रेपुटेशन का सवाल है। रात में जब बाथरूम में वेदांत था उधर, तब सार्थक जाता है उसको फिर से बुली करने के लिए और बात स्टूडेंट आके कंपाउंडर को बता देता है। और कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब कंपाउंडर अंदर जाता है वेदांत को ब्रश करते हुए पाता है और सार्थक को टॉयलेट के सिंक पे कांपते हुए देखता है और सार्थक ने तब तक अपनी पैंट भी गीला कर दिया था। फिर हम देखते हैं स्कूल में 2007 के सारे बैचमेट आ चुके थे, सुवेश तब सिंगर बन चुका था और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया था। फिर हमको रजत को दिखाया जाता है जो कि अभी एक रियल एस्टेट एजेंट है और गाड़ी से देव और मालविका भी आए थे। देव स्कूल का ट्रस्टी था और मालविका उसका वाइफ, स्कूल के बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। और तभी अभिराज आता है, वो देव और बाकी सबसे मिलता है। फिर वो लोग एक बार ग्रुप फोटो के लिए जाते हैं और अभिराज नीनत को ढूंढ रहा था और पूछने पे उसको पता चलता है कि नीनत फेयरवेल पे आया ही नहीं। वो लोग फोटो फ्रेम में खड़े थे और उनके ऊपर से वेदांत सब कुछ देख रहा था और अचानक ही डीन के 1 2 3 बोलते ही ऊपर से एक स्टैचू नीचे आके गिरते हैं और सब लोग डर जाते हैं। फिर हम अभिराज को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और अचानक ही उसके हाथ में जलन होने लगता है और जब वो अपना हाथ चेक करता है उसके हाथ में एक मार्क बन चुका था। फिर हम देखते हैं अभिराज के दादू उसको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आए थे और वो बीच में एक खाने की शॉप में रुके थे। उधर अभी अपने दादू से बोलता है, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे ही मेरा लेट एडमिशन हुआ है, इधर मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। और उधर ही हमको पता चलता है कि अभिराज के माँ बाबा बहुत साल पहले एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और उसके लिए उसका सब कुछ उसका दादू ही था। तभी निनाद अचानक से आता है और बोलता है, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं तुमको रोज बन मस्का खिलाऊंगा, तुमको बस इसके बदले मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और सुप्रिया वेदांत को भी उस रूम में लाता है और उस बात से डीन बिल्कुल खुश नहीं थे। हम देखते हैं मालविका अभिराज के पास आके बैठता है और अभिराज तब बोलता है, कैसे जा रहा है तुम्हारा मैरिड लाइफ, आई होप तुम लोग खुश होंगे। तब मालविका बोलती है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, हम लोगों का ब्रेकअप होने के बाद मुझको देव ने ही संभाला, फिर हम लोगों ने शादी कर ली और तुम तो अमेरिका भाग गए। तभी अभिराज बोलता है, यार मैं इधर सिर्फ निनाद से मिलने के लिए आया था, मेरे दादू गुजरने के बाद आई रियलाइज कि निनाद मेरे लिए क्या कुछ मैटर करता था, मैं उस दिन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, असेंबली रूम में मैं उसको सॉरी बोलने के लिए रुका हुआ था पर वो आया ही नहीं, फिर मैंने उसको सोशल मीडिया हर जगह ढूंढा पर मुझे उसका कोई लिंक नहीं मिला। और मालविका से पूछती है, तुम्हारा लास्ट टाइम निनाद से कब बात हुआ था, तुम्हारा भी तो अच्छा दोस्त था ना। मालविका बोलती है, ब्रेकअप के बाद मैंने किसी से बात नहीं की, फिर कॉलेज खत्म करके शादी। फिर अभिराज को कुछ बोलने के लिए स्टेज में डीन बुलाता है और अभिराज तब स्टेज में जाके बोलता है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, क्लासेस, रिसेस में दोस्तों के साथ खेलना, क्लास बंक करके गेम रूम में जाना। और जब अभिराज ये सब कुछ बोल रहा था अचानक से वेदांत स्टेज में आता है और अभिराज को बोलता है, अभी मैं लौट आया हूँ। और अभिराज ये सुन के शॉक में चला जाता है और वेदांत के नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वेदांत को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है और डॉक्टर बोलता है वेदांत को बहुत ज्यादा बुखार है। सुप्रिया तब वेदांत के हाथ पे एक मार्क नोटिस करता है। हम तब फ्लैशबैक में देखते हैं निनाद को सुवेश, रजत और उसके दोस्त चद्दर ओढ़ के मार रहे थे और अभिराज आके उसको बचाता है और जाते टाइम सुवेश उसके सामने चिट फेंकता है और उस चिट में लिखा हुआ था होमो। और अभिराज तब निनाद को बोलता है, तुमको खुद ही फाइट बैक करना पड़ेगा शैडो मैन की तरह। शैडो मैन असलियत में निनाद का ही एक कॉमिक स्केच था। और निनाद तब बोलता है, तेरी तरह मैं नहीं हूँ अभी, मुझसे ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता। फिर प्रेजेंट डे में अभी सुप्रिया से बोलती है, वो बॉय वेदांत कैसा है, सुप्रिया बोलती है उसको बुखार है। तब अभी बोलता है, उसने मुझे स्टेज में कुछ बोला था जो मैंने बहुत पहले भी सुना है। सुप्रिया तब बोलती है, वेदांत थोड़ा स्पेशल बच्चा है, वो थोड़ा डरा सहमा रहता है, क्या बोलते क्या बोल दिया होगा, तुम उसको अपने दिमाग में मत रखो। और रात को बॉनफायर में सुवेश और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं इधर से जा रहा हूँ, और सुवेश बोलता है, गाड़ी गेट पे है, तुम जा सकते हो। अब देव बोलता है, अभी बहुत हीरो बन रहा है ना तू, थोड़ी देर में तो रोते रोते भागेगा। अब सुवेश बोलता है, हाँ भाई तू तो एक्सपर्ट है लड़कियों को मनाने के लिए, रोते हुए मालविका को भी तूने लास्ट में पटा लिया था। और ये बोल के उधर से चला जाता है और अंदर जाके देखता है सच में उसकी गर्लफ्रेंड उधर से जा चुकी थी। फिर रात को अभिराज का नींद अचानक टूटता है और टेबल में उसको निनाद का वही स्केच बुक मिलता है और दूसरी तरफ सुवेश बेड में लेटा हुआ था। अचानक से उसका बेड हिलता है, वो बोलता है, गाइज मजाक मत करो, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फिर जब एक बार बेड हिलता है वो उठ के चीखता है पर देखता है आसपास कोई नहीं था और उसके ऊपर अचानक एक चद्दर आके गिरता है और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो सीन बहुत ही भयानक था। दूसरे दिन डिनर टेबल में मालविका बोलती है, रात भर तुम लोग एक दूसरे को प्रैंक करने में बिजी थे इसलिए सुवेश अभी तक सो रहा है। तभी
चिल्ला जाता है और गुस्से में बोलता है गाइज इट इज नॉट फनी, और वो कॉमिक बुक दिखाता है। और जब रजत उसको छूता है उसके हाथ में अचानक से जलन होने लगता है। और अविराज तब स्टाफ रूम में जाके बोलता है हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड कहाँ पर है। तब उसको टीचर बताते हैं सारे रिकॉर्ड्स आर्काइव रूम में, और उसको उधर सुप्रिया लेके जाती है और उधर वो दोनों निनाद के डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। तब बातों बातों में अभी बोलता है मेरे माँ बाबा बचपन में कार एक्सीडेंट में मर गए थे और फिर मैं स्कूल में, पर अभी तक तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुम इधर क्या कर रहे हो। तब सुप्रिया बोलती है मेरा एक बेटा है पर वो अपने पापा के फैमिली के साथ रहता है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इसीलिए कोर्ट ने कस्टडी उसको दे दिया है, इसलिए मैं अभी इधर काम कर रहा हूँ कि कोर्ट मुझको कंसीडर करे। फिर अविराज को निनाद का फाइल मिलता है और उधर एक लेटर भी था, और वो लेटर वो अपने पास रख देता है। और सुप्रिया उसको आके बोलती है तुम एक बार एड्रेस पे जाके चेक करो, मे बी निनाद तुमको उधर ही मिल जाए। फिर अभी निनाद के एड्रेस पे चला जाता है और उसके माँ बाबा से मिलता है। तब उसके माँ बाबा बोलते हैं निनाद को मिसिंग हुए 15 साल हो चुका है। स्कूल वाले सिर्फ एक चिट्ठी दिखाता है, चिट्ठी में ये लिखा था निनाद के दादाजी का तबीयत खराब है तो स्कूल वाले बस में उसको बिठा देंगे, बाकी हम लोग रिसीव कर लेंगे, और वो पूरा हैंडराइटिंग निनाद का ही था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था 15 साल पहले, उसका दादाजी का तबीयत भी खराब नहीं था और हमने निनाद को बस से रिसीव करने की बात भी नहीं बोला था। हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की पता करने के लिए, स्कूल ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, हर बार सिर्फ एक चिट्ठी दिखा देते थे। हमने पुलिस में भी कंप्लेन किया फिर भी वो लोग बता रहे थे वो अपनी मर्जी से बाहर गया है, हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। और बेटा ये सब के चलते हमारा वो दुकान भी बिक गया। फिर अभी लेक साइड एक पार्क में आता है और पुराना दिन याद करता है जब निनाद उसको बोलता है यार अमेरिका जाने से तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना, मालविका ने तेरे लिए एक अच्छी डेट प्लान किया है। तब अभी बोलता है वो सब कुछ छोड़ हम लोग चल एक फोटो खिंचवाते हैं, लाइफ टाइम मेमोरी बन के रहेगा। और वो लोग फोटो रूम में जाते हैं और उधर निनाद अभी को किस करने की कोशिश करता है पर अभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो रूम से बाहर निकल के निनाद को बोलता है मैं तुझको बेस्ट फ्रेंड समझता था और तूने मुझे किस करना चाहा, और ये बोल के उधर से अभी चला जाता है और निनाद भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब वो मालविका को बोलता है मैं तुझको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, वो अभी बहुत गुस्से में है मुझे उसके पीछे जाने दे। और रूम में आने के बाद अविराज अपना स्पीच नोट ढूंढ रहा था, तब पीछे से निनाद आता है और बताता है आज स्कूलिंग का लास्ट डे है तो इसके बाद अमेरिका चला जाएगा, मुझे ये बात बताने का मौका नहीं मिलेगा तो मैंने तुझको आज ये बात बताया। अविराज बोलता है मुझको तुझसे और मिलना भी नहीं है और सुवेश ने सही बोला था तू होमो है। और ये सब कुछ सुन के निनाद अंदर से टूट चुका था। बैक टू द प्रेजेंट डे, हमको स्कूल के बाहर स्टूडेंट और 2007 के बैचमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि बैठ के बच्चों की पोएम सुन रहे थे। फिर हमको सुवेश को दिखाया जाता है जो कि क्लॉक टावर में खड़ा हुआ था और उसके गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ था और वो उधर से कूद जाता है। वो सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है और सारे बच्चे उसको देख के चीख पड़ते हैं और उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और ये था अधूरा सीरीज का एपिसोड 1 से लेके 3 तक एक्सप्लेनेशन। बाकी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाले हैं, एपिसोड्स जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूले, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।